क्या लूँ मैं? नेक्रोस, नोवा और कौन सी चीज़ जरूरत पड़ती है? नहीं नोवा तेरे पास वो वाला है, क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, वो पावर डोनेशन वाला? यस, पावर डोनेशन वाला जी चाहे जी फिर मैं नेक्रोस ले लेता हूँ। नेक्रोस मेरा सेक्सी सेक्सी बॉय नेक्रोस। लोग नेक्रोस पे गलती करते हैं, उसका डिस्ट्रॉय का ऑपरेटर, रेंज आर कम यू रखा है। एंजॉयिंग मेरा द देख व्यू? रेडियस 70 मीटर है। नोवा बोल रहा था भाई नहीं, 35 रेडियस है, यानी 60 से 70 इसका वो हो गया। तो एक मिनट, डिस्पॉयल का क्यों कम रखा? हाँ डिस्पॉयल का कम रखने का क्या? मैं तो फुल रेंज लेके फिर रहा हूँ नेक्रोस की। गलती की थी, नोवा बोल रहा था, नोवा नोवा कम रखो। नो बोल रहा था मेरा 35 मीटर रेडियस है, इससे तो 70 मीटर वो बनता है, डायमीटर बनता है, ये तो बहुत रेंज है। मैंने कहा मेरा रेडियस 70 मीटर है, उससे 140 वो बनता है। मैंने कहा रेडियस सर आपको रेडियस। चलो जी अपन ने ले लिया नेक्रोस साथ में एक्सेल्ट्रा। बल्कि एक मिनट मैं इस तरह करता हूँ, ये नूकोर को एक दफ़ा फिर से फॉर्मा करके इसको भी लेवल 40 तक पहुंचा देता हूँ। बात ही खत्म। अच्छा मैंने रखी हुई है 280 रेंज रखी हुई है, वो बनता है 70 मीटर रेडियस बनता है, और ये जो है उसके अंदर काम सही रहता है। रेंज रखनी चाहिए 280 मैक्सिमम होती है। सही है यार, सही है बिल्कुल। इनवाइट कौन करे? मैंने करा है तुम्हें भाई दो बार। चलो भाई सब रेडी हो, फ्रेम सब अपने कुत्ते बिल्ली सब सेट कर लो। ओके कुत्ते बिल्ली भी नहीं सेट है। ट्रिनिटी क्या चीज? ट्रिनिटी लो, ट्रिनिटी नहीं सेट हुआ था यार, ये बात नहीं। तो वेट ले लो, एक मेरी बात सुन, विस्प ले ले कम से कम, मैं ही तो हो तो विस्प ले लो। विस्प ट्रिनिटी नहीं, हाँ एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती यार। ऐसे बोल रहा हूँ, वॉल्ट तो किसी काम का नहीं है ना यार। वॉल्ट रेड बॉम पर वो धीरे वो काट रहा है, डिफेंस के लिए सही है, बट वो वेस्ट प्ले ठीक है ना, बफ हो जाएगा। सही है, वेस्ट प्ले की हील करती है ना, नेक्रोस मरेगा नहीं क्योंकि नेक्रोस की हेल्थ बहुत स्पीड से गिरती है जब वो। चलो मैं लगा रहा हूँ, कुछ भी डाल दो ना, कुछ भी डाल दो। अच्छा अबे ये क्या कर दिया, V1 है ये रैली देखो, और ये रैली देखो V1 और O2 किसी के पास पड़े में? तो एक मिनट, क्या V1 O2? V1 नहीं है, O2 O2 भी नहीं है, ये कौन से रैली के भाई? मैंने अटैक करे में फिलहाल कुछ भी लगा दे दूँ। ये सारे बारो लेके आया था? नहीं नहीं पुराने मेरे पास तीन है, V5 V5 नहीं V1 V5 गलती से अटैक, उनमें से कोई भी नहीं है। ये V वाले वोल्ट के रिलैक्स हैं। वोल्ट के रिलैक्स में मास्टर प्राइम और वोल्ट दोनों के हैं। एक्चुअली वोल्ट का ये था ना कि मेरे फ्रेंड ने मुझे वोल्ट का सेट गिफ्ट कर दिया, तो मैंने वोल्ट पे कभी मेहनत की ही नहीं है कि मैंने उसके रिलिक फार्म की हूँ तो उसको निकाले। ये कौन सा प्लेनेट है? ये कौन सा प्लेनेट? You are here to distract the enemy. Trigger the alarm. चल कोई नहीं। Fishers. You need them to open a relic, but are you confident you can withstand their fury? Camp location. Find the relic. Life support has been cut off. They're trying to choke you out. Hold on. Yeah, yeah. I'm sending auxiliary life support. Oh yeah. A fisher. यही पर बना रहे क्या? नहीं नहीं वहाँ फाइंड द रूम यार। हाँ पीलिया नहीं है, पीलिया बहुत खतरनाक टीम को मिला।
एक क्या उसने नर्फ हो गया और गंदा नर्फ हुआ कि अब क्या इसके नर्फ क्या की हुई है एवी ट्रेनिंग्स नहीं होता अगर आप सही ओपन मैप में भी करो ना फिर भी एनिमीज नहीं आते वो इस तरह एक्ट करते हैं जैसे आप वो मिनट पर मिशन जब किया था तो इलेक्ट्रिसिटी का दूं हम चाहते कि इन पौधे अंदर की तरफ लगाओ विफ के अंदर की तरफ लगाओ इधर लगाओ पौधे मेरे विफ पॉइंट आई डिलीवर्ड अ लाइफ सपोर्ट कैप्सूल टू इंडिया एक्टिवेटिंग इट विल बाय यू मोर टाइम सब ये आगे से हटा देना अभी से रिमूव नहीं होगा मतलब पीछे लगेंगे आगे से हो जाएंगे ऑटोमेटिक के लगे लगे बस उससे ज्यादा नहीं लगते इसमें ये कि उसे वो इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो एनिमीज को करंट दे के स्टंप करता है मसला करता है चलो बस अपनी बिल्कुल कड़ा होके जाने लगा गेम कैसा चल रहा है गेम सही चल रहा है भाई जैसे गरीब से पूछो तो बहुत अब चल रहा है भाई आई टी में खेलने वाला आदमी मुझे मज़ा नहीं आता इससे क्योंकि मैं लाइव रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता हूँ थोड़ा सा वो होता था ना ब्लैक तो फ्रेम रेट थोड़ा सा वो होता था कंप्लीट है another life support capsule रिपोर्ट Our
operative is making progress. This will cover costs. Go to extraction. मैं फॉर्मा लेता हूँ यार, मेसा के सब ब्लूप्रिंट पड़े हैं मेरे पास। पता नहीं मेसा का ड्रॉप चांस ज्यादा था क्या, इतना ज्यादा मिलेंगे? मैं तो बाउंस पे मिलेगा मेरा 45 टिकट से बस। कुछ भी लगा दिया भाई, क्या कुछ निकला था मेरा फॉर्मा? क्या मेरा एक जो अपने को ना लॉन्ग सुपर मारने का बड़ा दिल कर रहा है कि यार 25-30 बार टंपर को मारो, टंपर को मार देते हैं यार इसके बाद कोई नहीं, इसके बाद मार देते हैं टंपर को भी। एक दिन में एक काम कर सकते हैं ना बस, वैसे एक सर्वाइवल आप लोग कितने देर तक खेलते हैं? 2-2.5 घंटे। तुम जाओगे किस टाइम जोन? मैं तो नहीं सोऊंगा ना जोन पे, तो जोन पे ही सोते हो? हाँ यहाँ सो रहा हूँ, थोड़ा मेरा भी लंबा थोड़ा सा है। दोपहर में 12-1 बजे तक सही। तुम तो खेल रहे हो ना? हाँ हाँ मैं 1-2 बजे तक हूँ। सही है, और क्या मतलब मैं 4-5 बजे तक हूँ? नहीं वो 12-12 बजे खेलेंगे, अभी हम लोग का दिल उड़ जाएगा। नहीं यार वो 12 बजे तक वो टाइम मुश्किल है कि खेल लूँ वो टाइम से। मैं जरा एक सेकंड में आया। That's it. You opened the relic. Finish your mission and we'll take a look inside. Fun. जी यार सेम प्लेटफॉर्म पर ने गिव अवे स्टार्ट करना है जिस 31 दिसंबर को न्यू ईयर पे, वही बड़ा वाला गिव अवे जो स्टार्ट किया हुआ है। 10,000 फ्लैट वगैरह जमा करने हैं भाई, कुछ करो। जिस दिन कहेंगे फॉर्म कर देंगे। नहीं अब रेगुलर आना है, हफ्ते में 3 दिन तो खेलना है। सही है, रैली को ओपन करना, फैट बनाने यार। मैं भी ऑनलाइन ही होता था जो कोई भी नहीं खेलता आजकल बहुत। मैंने कहा मैं भी, हम रोजाना खेलते होते हैं भाई, तुम नहीं आते, हम डेली खेलते होते हैं। अच्छा रात को 12-1 बजे आते हैं, 2 घंटे लाग भी करते या बॉन्डिंग करते होते हैं 2 घंटे तक या सर्वाइव। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या नाम है खान जी? 12 जब मॉड लेकर आए ना प्राइम मॉड जी, तुम्हारे पास डुकार्ड है? हाँ मैं जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा डुकार्ड है ना उसके मैं प्राइम मॉड करूँगा, मुझे 5-5 चाहिए। सही है, मैं कोशिश करूँगा। 5 12 प्राइम मॉड लाया लाया यार, डिस्कॉर्ड पे था मैंने देखा था पर याद नहीं किया। ठीक नहीं प्राइम मोड कोई भी नहीं थे? नहीं नहीं 4 प्राइम मोड लेकर आया भाई, क्या हो गया खान? अच्छा वो नो इंफेक्टेड, वो डैमेज टू इंफेक्टेड डैमेज टू ग्रीनियर वाले प्राइम मोड नाउ? नहीं 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 वो नहीं थे, चोटिक वाला था। अच्छे मोड सही है, यानी लेने वाले हैं हम तो गिव अवे के लिए लेते हैं, हम गिव अवे करते हैं।
भाई वो मेरा अच्छा जीवे के लिए मैं दो से फ्लैट के लिए लेता हूं मैं हम फ्लैट गिव अवे कर रहे होते पिछली बार तो आई नहीं बहुत गिव अवे हुआ लोकी वो की सब सेट गिव अवे अगर रेट लो रेट पे जा रहे हैं मोर वैसे लो रेट पे बहुत जा रहे हैं रेट गिर गया मेरा तो यूजर जितने कम होते हैं उतने इनके रेट गिरते हैं ऑटोमेटिकली इन्होंने पता नहीं कौन सी ऐप बनाई हुई ट्रेडिंग की यूजर कम होते हैं खरीदने वाला कोई नहीं होता तो फिर मजबूरन लोग कम कीमत में बेचते हैं आपके पास ट्रेड चली जाती है फिर लोन की फंडो कट पड़ा है मैं नहीं करता दुकान चेंज और मेरे पास मैं जब भी कोई चीज़ सही होती है तो उसके मुताबिक दुकान लेके कर लेता हूँ प्राइस वाइज देखता हूँ ना अगर मेरे पास महंगे प्राइम सेट हैं वो तो नहीं बेचता हूँ दुकान के लिए तो प्राइम सेट कौन बेचता है मैं भी नहीं बेचता भाई इनारो एक ही पड़ा हुआ था मैंने बोला चलो शायद ये रेयर हो मैंने डाल दिया उसका तो सैलरी है जिस तरह का नहीं है तुझे V5 चाहिए थे V5 मेरे पास कम 17 अपने नहीं नहीं V5 गलती से टैग हो गया था V1 चाहिए थे V1 चाहिए अच्छा तेरे पास है ना K4 होंगे लाजमी जमा होंगे लेक K4 हाँ नोवा के और भी और इंफिनिटी के नौ पड़े हाँ ना करना मेरे पास भी यूज करना एक एक करके यूज करना कुछ नोवा का क्या मेरोपिक्स बहुत इंफिनिटी के दोनों में तो कोई भी आया तो क्या रेड रेडिएंट करते ही यूज़ करते नहीं नहीं नॉर्मल 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 रेडिएंट आया नहीं करता रेडिएंट ब्लॉक के रैलिक रेडिएंट करके रख लो एक्स्ट्रा सब जितने भी एक्स्ट्रा जो आए ना वो कौन से एक्स्ट्रा मैसो अच्छा फ्रॉस्ट अब जो है ना सस्ता नहीं हो गया जो हाँ ना अनवॉन्टेड एक भी नहीं पड़ा मेरे पास यार ये है मैं सब मेरे पास चार मेरे पास ही रही है नहीं डॉट बेटा तीन होंगे तेरे पास कितने अरसे बाद आ रहा है उसके बाद दो साल बाद आ रहा है मैं सो समझ होंगे डॉन क्योंकि बॉन्टी हम लोग साथ खेली है बॉन्टी में निकलेंगे हाँ देख लिया नहीं वो हम ई कुछ था F2 निकला था दो F2 निकले थे फिर यहाँ कुछ नहीं शो कर रहा रेडियन करा के होंगे ना तो रेडियन कर दिया होंगे हाँ चलो मैं फिर ऑर्बिटर में जाकर फिर देख लूँगा रेडियन क्यों नहीं है अबे यार ये उठा के ख़त्म करो कितने नहीं हुआ है तंग कर रहे हैं
कौन याद है ना ऑक्टेविया प्राइम के सॉफ्टवेयर जमा करने का। यस यस ऑक्टेविया मैंने कहा वो मजाक था। ना 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 पब्लिक सीरियस ये मैं पब्लिक जर फॉर्म करूंगा वो मैं बिल्कुल जॉनी के साथ हूं। मैं ऑक्टेविया का इंतजार कर रहा था इन कमीनों ने नेजर ले आया। अच्छा नेजर आ भी गया या नहीं आया अभी तक? आएगा पता नहीं 28 को है 28 तारीख का दिन 27 या 28 अभी क्या है 4 या 5 मैं बिल्कुल नेजर भी मैंने आज तक नेजर को हाथ ही नहीं लगाया। मैंने किस चीज़ को नेजा अच्छा है यार अच्छा है वो रिवर्स के बाद अच्छा हुआ है नेजा। हाँ मैं नेजा लेकिन तो इनकी कर दिया मज़ा नहीं आया था कुछ छोड़ तो नहीं थी कुछ एक्शन नहीं था कुछ। मैंने नेजा प्राइम बस वो करना है मास्टर एमआर बॉर्डर की तरह इस्तेमाल करना है। अच्छा डॉन अगर कल सर्वाइव खेलेंगे ना तो अपनी मर्जी का फ्रेम लेकर आओ विदाउट कैंप बहुत होगा कैंपिंग वाला विदाउट कैंप कैंप नहीं करना कैंप नहीं करेंगे बात से भी खेलेंगे ये तो ज़्यादा नहीं होगा मज़ा आएगा यार बंदा तलवार चलाते हुए यूँ जाता है तलवार चलाते हुए यूँ आता है। मैं तो अपना स्केलेटन लेकर आऊँगा मैं मिराज लेके नुक करूंगा पूरे मैप को। तुम लोगों को बंदा मिले नहीं मारने के लिए देखते द लॉन्गर यू फाइट द मोर सक्सेसफुल मिराज यार अच्छा यहां पे अगर हमारे साथ एक मिराज होता ना तो इसकी जरूरत ही नहीं होती अभी ये टीविया की खुद ही मरते हैं सोना प्राइम सीवर सोमा को वो जो अभी नया मोड आया उससे सोमा बहुत पावरफुल हो गया था सब सोमा करेवन मांग रहे थे। लगाओ K4 लगाओ कौन सा एक बंदा लगा चलो खान तुम पहले अपने K4 खत्म करो उसके बाद मैं लगाता हूँ एंड में मैं लगाऊंगा। ओके या मुझे इसके 5-5 सेट चाहिए सर के ऊपर जो घूमते क्या बोलते हैं सेंटिनल वो कौन कौन से सेंटिनल के तो जितने भी मैं ये मैंने जो अभी रेडिएंट लगाया ना हाँ इससे वो प्राइम या डेथ चीफ का वो निकलते ब्लू प्रिंट गोल्ड लेवल क्या रैली के D1 मेरे पास भाई होता है बहुत ही अभी एक में से भी नहीं हाँ ब्लू प्रिंट है मैं कितने तुम्हारे पास D1 चेक करना पड़ेगा अब एक बात सुनो खान खान जी जी तुम K4 लगाओगे तेरे डॉन हमदा मैं हम सब है ना D1 लगाएंगे बस पड़े थे मैं मुसलसल D1 ही लगा रहा हूँ अभी तक 85 मेरे पैसे पड़े और 10 रेडियन पड़े थे। हाँ बस आप D1 लगाते रहे हम तीनों D1 लगाएंगे निकलेगा तो कम से कम हाँ क्या पता इसमें भी निकला है हाँ तेरे 5 सेट करने ज़्यादा नहीं एक बार भी निकला समझो 5 सेट हो गया एक तो सबसे एंड में है ना वेपन फार्म करेंगे जो वेपन गिव अवे करने हैं ना उसके सबसे एंड में फार्म करेंगे क्योंकि वेपन हम से फार्म कर लेते हैं वेपन का कम से कम के लिए
ऐसा को गंदा नर्फ किया है, अब उसके बाद कोई जगह बची नहीं है, वही ड्रैको है या ड्रैको ही शायद। मैंने 31 दिसंबर को है ना गिव अवे करने का सोचा है न्यू ईयर वाले दिन, क्या बोलता है? सही है, न्यू ईयर वाले दिन अगर मेरे फ्रेंड्स की कोई पार्टी नहीं हुई तो मैं भी हूँ ना। अबे न्यू ईयर वाले कौन निकलता है यार? हम निकलते हैं, मैं लिटरली इस दफ़ा अभी मज़े की बात देख, जैसे 2020 स्टार्ट हो रहा था हम न्यू ईयर के लिए इस्लामाबाद चले गए पार्टी के लिए, और ये इतना गंदा साल है ना कि हमें पता होता हम जाते ही नहीं। लॉकडाउन होगा तो गर्मी रहेगा। हाँ ये लॉकडाउन भी हो सकता है क्योंकि अब के बाद है दोबारा से। तू मेरा जीवा वही कर रहा होगा, तू टेंशन नहीं लेता हो। सही है, बस सच्ची बात। इस बार मैंने मॉड नहीं रखे, सिर्फ प्राइम मॉड रखे हैं, सादे वाले नहीं रखे। बाण में बहुत गिफ्ट होता है यार। हाँ वाकई में पिछले बार थोड़ा सा मसला बन गया था जब एक भी जैसे आई थिंक बैंड हो गया था, और जो दूसरा है डीएमसी वो शायद उनका हो गया था कि ऑफलाइन लाइट नहीं थी डीएमसी का रोना रोना था। इस बार मैं सबसे ज़्यादा अपने पास रखूँगा, चाहे मैं अगले दिन मैं खुद दूँगा परवाह नहीं। अभी भी दो एक तीन बंदे हैं जिन्होंने मेरे से वो अपनी वो नहीं क्लेम की, तो बस बढ़ नहीं जाए। मैंने कहा मेरा तो सारा क्लियर हो गया था, इसमें दो तीन दिन में ही हो गया था। वैसे इस तरह कोई इतना लंबा ना करें सही है, क्योंकि मुझे ये होता है लोग लेते हैं नहीं, और अगले जाना एक ही हफ्ते के बाद भी जाके कह रहा होता है हाँ हमें ये चीज़ चाहिए थी। अच्छा पिछली दफ़े ये मसला आ रहा था, लोग रिवन में वो कर रहे थे खर्च पे, रिवन उनका निकल गया है और उनको एम आर कम पे। हाँ हाँ इस बार मेंशन कर देंगे ना भाई, 13 MR वाले 10 MR से ऊपर वाला MR पर वोटिंग कर सकता है, उससे कम नहीं, लो MR वालों के लिए नहीं है। एक बंदे का रिवन निकला था वो एट से भी कम था, फिर मैंने उसको ओवर एक्सटेंडेड दे दिया और 10-15 पर फटा दे दिया। रेडिएंट या नॉर्मल? और रेडिएंट डॉन लिम्बो ले, डॉन लिम्बो ले, खान लिम्बो ले, लिम्बो प्राइम सेट बन जाएगा। सही है, मेरे पास ब्लू प्रिंट नहीं है सिस्टम के भाई। अच्छा D1 लगाओ। Okay. अच्छा K4 रेडियन करना है या नहीं? कुछ भी जैसा नहीं सादा लगा दो, रेडियन आया करने की वाली बात है। हमें गोल्ड पार्ट चाहिए ही नहीं ना, हालांकि इसके भी मुझे 5 सेट करने हैं, लेकिन अभी नहीं वो आराम से कर लेंगे। आज मैं डिस्कॉर्ड पे पोस्ट मार दूंगा, आज या कल ये क्या क्या जब अवे होगा पूरा पोस्टर बना के सही तरह मेंशन कर दूंगा, फिर लोग पागल दोबारा हो जाएंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम से हलचल नहीं हुई थी, फिर हलचल अच्छा। स्टार्ट करना है। मज़े की बात क्या थी? मज़े की बात ये जिस हाँ जी नेक्स्ट की कब होकर मैंने कल लाने थी बंदो, तुम लोगों को क्या लगता है हम पे उसके जी वाले हमें फ्री में चीज़ें देते हैं? नेक्स्ट गिव अवे कब होगा? इतने मज़े से बोल रहे होते हैं हमारे पास है ना, बहुत ज़्यादा पड़े हम लोग का टेंशन ही होती। ये लास्ट गिव अवे करूंगा मैं, अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया ना फिर आज के बाद कभी गिव अवे नहीं करूंगा बॉल फ्रेंड का।
नहीं तो ये ठीक थोड़ा सा नहीं रहेगा कि आप हर रोज की स्ट्रीम के अंदर कोई ना कोई चीज़ दे दें, वो तो फिर इस तरह होगा ना कि हर रोज तो लोग देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि पता होगा कोई चीज़ दे मिलनी है गिव अवे होना है तो नहीं यार ऐसा मज़ा नहीं आता। आप लोग एक वेब ब्लॉग बना लो ना फ्री का, जिसमें आप थोड़ा उस पर भी पोस्ट मारते रहो, अलग अलग फेसबुक पे शेयर मारते रहो, एक ही हाथ बना लो कुछ सोशल ऐप में, तो जिससे आप बना लिए सारा जो एक ही अनाउंसमेंट जो हर जगह चले गए। हमें यूट्यूब पे करना चाहिए वही करेंगे ना जो हमने बोला था। इस बार डिस्कॉर्ड में नहीं होगा, यूट्यूब पे ही होगा। यूट्यूब पे होगा बस, ये सही है। वो स्ट्रीम लैब के अंदर सेटिंग है ना गिव अवे की, बॉट है। OBS लैब एडिशनल लाइफ सपोर्ट हैज अराइव्ड। अच्छा जब के डिफेंस में एक स्पेसिफिक वेव आती है, एक क्वांटिटी के हिसाब से एनिमीज आते हैं, सर्वाइवल में आप अनलिमिटेड मार रहे होता, फिर भी हाइड्रोन ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है एक्सपी के लिए? वो एक्सपी ज़्यादा होता है। अच्छा हाइड्रोन एक्सपी वापस हाई लेवल एनिमी होते हैं मिराज तो एक दो दफ़ा एक वेव भी अगर वो ज़रा ज़रा डैमेज कर देना अपना वॉल को, उसके बाद मेरा जब अपना फूल लगाए बस एनिमीज खुद ही मरेंगे, फिर उसके बाद सिर्फ खड़े रहो और अपना नवा से स्पीड हो एनिमी ताकि जल्दी जल्दी आए, तो आप 30 वेव जो है वो आराम से आधे घंटे से मतलब 24-25 मिनट में आप कर सकते हो। 30 वेव एक घंटे में आप कम अज कम 70 वेव 80 वेव कर सकते हो। अगर लगा सकते हो रेडियंट करके लगा ऐसा लगाया था ये रेडियन का रेडियन लगा भाई तू ऐसा खेलता है मैं नहीं खेलता। चलो ये तू रेडियन करे हुए नहीं है मुझे मालूम है ऐसा मिले रहे मुझे बहुत ही 85 मेरे पास ऐसी खड़ा है जो रेडियन नहीं है। H1 नहीं है H2 18 है, H2 18 है पर H2 190 है।
एसक्यू लगाएंगे रेडियन करके चारों एक साथ। पहले डीलर का चैप्टर खत्म हो। Has been cracked open. Finish your mission to find out what's inside. कब गया था वो पता नहीं इसका। मैं तकरीबन 8 बजे मुझे नींद आ रही थी, मैं 8 बजे से आया हूँ। मैंने चले 2 घंटा सो लेता हूँ, जब मेरी आँख खुली है तो तकरीबन सुबह के 5 बजे थे। मैंने कहा तो बिल्कुल पता नहीं लगा था क्या हुआ। ऐसे बस मैंने रूटीन चेंज कर लिया, मैं बस सोच रहा हूँ सुबह को रूटीन चेंज। सही में अब वो पहले जब छुट्टियों वाले था ना, यानी कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन होता था कि बंदा रात को जो है जाग लेता था, अब सुबह काम ही इतने होते हैं कि सुबह सोया ही नहीं जाता। एक्सपी बहुत कम मिल रहा है यहाँ पर। मैंने एक दुकान की है लेवल 35 है, जिसका लेवल दे रहे हैं। मॉर्टल की कब पहुँचेंगे? मॉर्टल की शायद अभी पहुँच जाए लोग, यार फिर मैं वो वॉरफ्रेम भी आ रहा ना, वो अल्टो से कि पता नहीं क्या नाम है उसका, लेकिन सबसे पहले पहुँचेंगे तो वही अब बीटा वाले। हाँ नया वॉरफ्रेम आ रहा है। हाँ तीन आएंगे ना। अच्छा वो डिजाइन इंट्रोड्यूस करा रहे थे। Hold out as long अच्छा as you can. नहीं कट्टे आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं अच्छा तो नहीं, बड़ी बड़ी आएंगे सर। कितना है अप्लाई हो? नेशन प्राइम आएगा, नेशन प्राइम। वो निकल आया। कब आ रहा है? कोई नौ तो वो भी आए। नेवर छोड़ दे। नौ छोड़। नेवर मिल जाएगा ये वाला। नौ पर भी मिल जाएगा। अब डी1 दोबारा रेडिएंट करके लगा दो। दोबारा डी1?
हाँ डी वन चार मेरे पास अभी भी पड़े हैं रेडियंट आप लोगों में से किसी के पास मतलब वो है क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन यार अच्छे उसके मोट एम के एम के हाँ मैंने एम 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 मेरे एम को ये एम ये एम ये मेरा ये जो ये करते हैं और एक ये फायर वाला अरे ये वाला कौन सा है ये कोई नया निकला है क्या ना वाला ये मैंने नहीं लिया था पहले वो बड़ी मैं देख लेता हूँ फिर कंपनी का इसमें तो मैं यूज़ करता हूँ 177 लेकिन ये सही काम कर जाता है यानी कि शील्ड गिराने के लिए और अच्छा शील्ड गिराने के लिए तो वो जो फुहार है प्रिज्म में पता नहीं क्या है वो ज़रूरी है उसका स्क्रीन रिफायर बहुत अच्छा होता है मैंने सबसे गंदी चीज़ मिस्टेक गिरती है अच्छा ये वाली ये ये ब्लास्ट होता है अंदर ये ब्लास्ट होता है हाँ ये ज़बरदस्त है अच्छा ये पहले लेज़र इसका लेज़र बीम भी है इसमें वो अटैक है अच्छा बीम मारी जाता है दो है ना एक ये देख ये एक सेकेंड रिफायर है सेकेंडरी बटन से जो होता है ये वाला जो है जिनमें भी बॉक्स लगता है ठीक है बहुत ज़्यादा ये वाला बहुत ज़्यादा ये कौन सी से और बैलेंस के लिए ये इसमें एक पार्ट और बैलेंस का ये आग वाला जो है ना ये एग्निस की तरह ये और बैलेंस का पार्ट है खान खान साहब ये बताएं ये वाले और बैलेंस का जो जी वन वाला जो है वो पहला वाला वो जैसे मिलेगा प्लेन्स ऑफ आइडलॉन वाला जो भी है सीटस से और फिर उसके बाद जो बाकी है ना वो लिटिल डक लिटिल डक हाँ उसमें सेवंथ नंबर है वो फॉर्चुना में है लिटिल डक फॉर्चुना वही डक में है जी उसके जो है हाँ सेवन सेवन एक सीटस रेस है और कौन सा था मुझे नाम ठीक है मैं नाम देख के बता दूँगा मेरे से नंबर याद है बीम अंदर जाके ब्लास्ट मारता है ना नहीं एक टू टू जो होता है वो हमेशा आई थिंक मैं ये यूज़ कर रहा हूँ एक मिनट में इसका ज़रा शक्ल देख लूँ अपने कौन सा वाला अच्छा ये वाला है ना ये शामी भाई वाला जो है ना ये बहुत अच्छी लिस्ट है जब वो बहुत सारे वो फिर रहे होते हैं ना उनके लिए क्या करते हैं आई डी नॉन के पास में क्या करते हैं तो जो ब्रिस्ट टाइप हो रहे होते हैं और ज़रा बहुत मॉडर्न ज़रा तो वहाँ बहुत चेक करना ये चेक ये देख ये एम सिक्स टू सेवन है मैं भी यूज़ कर रहा हूँ सिक्स टू सेवन आपका फायर वाला फायर वाला एनिमी भी बहुत ज़बरदस्त मारता है यानी यहाँ पे आऊँ बह रहा हूँ अच्छा ये उसका है और इसका वो भी बहुत ज़्यादा होता है क्या कहते हैं मैंने खैर वो भी अपग्रेड किया है तो बहुत हाई ड्यूरेशन होता है उसका तो बहुत टाइम तक एनर्जी कम यूज़ करते हैं फ्रेश का अरे आप बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा
थैंक यू successful we will be. ऐसा इतना ज्यादा निकल रहा है पता नहीं क्यों. डीवन दोबारा एक दफा जान छूट जाए मेरी कसम से 40-40 55-4 वाला गाने में सब पे आजाद है उनको लेवल अप करना. नहीं बहुत फर्क लिया मैंने सभी मैंने तकरीबन 2-3 तो मैंने 40 कर लिए. ये नुकुर भी 40 हो गया मेरा भी और बकाया जितने रहते हैं वो भी हो जाएंगे. अच्छा MR30 के बाद वो है लेजेंडरी रैंक्स आ रही हैं तो जितने रैंक्स आ रहे हैं लेजेंडरी रैंक्स और उसके अलावा MR30 पे पहुँचने के बाद कई और बहुत सी चीज़ें अनलॉक हो रही हैं. करती है कि कितने रेवन स्लॉट्स अनलॉक हो जाएंगे करती रेवन स्लॉट्स की जरूरत मिलेगी. और एक वहाँ पे रिले में एक इस तरह एक चीज़ पड़ी होगी कंसोल टाइप उस पर सिर्फ MR30 वाली उस पर इंटरेक्ट कर सकते हैं. पता नहीं उससे क्या मिलेगा क्या होगा. कह रहे थे कोई डेली का बफ मिलेगा. डेली बफ मिलेगा और उसके अलावा वो भी है लेजेंडरी इमोट भी मिलेगी और MR30 वाली जो भी चैट होगा ना उसकी चैट का कलर चेंज होगा फॉन्ट तो उसका कलर चेंज होगा तो डायरेक्ट सबको पता लगेगा कि भाई MR30 वाला बंदा है. हाँ सही है यार एक नीचे पैर है एक अच्छी बात है तो ये भी सही है. हाँ आप साढ़े 3-4 साल से खेल रहे हैं तो इतनी इज्जत तो मिलनी चाहिए. एक्सकैलिबर प्राइम भी चलता है अगर वो दे देते क्या पता वो नहीं वो नहीं देंगे वो देंगे तो नहीं वो कभी नहीं देंगे यार. उन लोगों ने प्रॉमिस किया वो लोगों ने 200-250 वो इस्तेमाल किया था डॉलर. मैंने उनको मैंने कहा यार मैं आपको 10,000 फ्लैट देता हूँ मुझे सर्वे प्राइम दे दो. रिप्लाई नहीं आया. वो नहीं देखे बहुत एक्सपेंसिव आपके अकाउंट भी सेल हो रहे हैं वो अकाउंट आप यार अकाउंट को सेल खरीदना मुश्किल है मतलब ख़तरनाक है वो ब्लॉक हो जाते हैं बैन हो जाते हैं. इसमें क्या करें जो हमारे प्रोग्रेस है वो तो वैसी की वैसी मतलब ज़ाया हो गई ना मतलब हम लेके नहीं आ सकते उसको इस वाले अकाउंट में जो हमारा अकाउंट है. और वो इसमें मैंने जितने भी देखे वो सारे हैं भी लो लेवल लोगों ने लेके ना रखे हुए के सेल करने के लिए और हैं भी सस्ते एक्सपेंसिव हैं. $1,500 से स्टार्ट हो रहा है और $5,000 वो क्या चीज़ फाउंडर अकाउंट. जी फाउंडर अकाउंट MR30 का अकाउंट कितने में बिकेगा. MR29 मेरा वाला जिस तरह है नहीं आपको तो बहुत एक्सपेंसिव बिकेगा. तेरे अकाउंट की वैल्यू होगी $1,500 जमा करने
मैं सोच रहा था डेमियोस में प्लेट्स काम आएंगे लेकिन डेमियोस में प्लेट्स काम नहीं आए। अच्छा अगर आप इसमें कोई लेते हैं ना तो ये साइट की हेल्प बहुत ज़्यादा करती है। प्लेयर ऑप्शन है वो देता है उसका पूरी, यानी कि अगर आप कोई अकाउंट देते हो ना और उसको कोई मसला बन जाता है अगर एक साल के लिए, तो उसका ये होता है कि एक साल तक जो है ना वो सारा कवर करते हैं, उसकी इंश्योरेंस सारा वो देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं एक तरह की। और उसके अंदर अगर कोई बैन हो जाता है या तो वो फिर जो है आपको पैसे वापस कर देते हैं। लेकिन अगर मैंने अपना अकाउंट दे दिया किसी और को, उसने मुझे पैसे भी दे दिए और उसका बैन हो गया, और वो तो फिर आपका जिम्मा नहीं, वो आप अगर वो आपकी वजह से बैन हुआ है तो फिर हाँ पता नहीं फिर इनका कुछ था कि कोई होता है उनका, वरना जो है ना अगर नहीं हुआ आपकी वजह से पैसे एक बार दे दिए तो चीज दे दी है, यानी कि आपकी जो लिंक खत्म हो गया ना बिल्कुल। हाँ ये भी बेसिकली उनकी जो मेन आईडी होती है ना वो कहीं दोबारा वापस रिकवर करके वो ना क्रैम करें, ये अक्सर होता है। देखिए फाउंडर अकेडमी में मुझे कुछ खास दिखा नहीं, इसलिए कैलिबर प्राइम लेकर वो यहाँ से अमरा ज़्यादा पावरफुल है। वो तो सही है लेकिन मतलब उसका एम आर भी ज़्यादा है ना। लाटो प्राइम, कैलिबर प्राइम, ओस्काना प्राइम, ये तीन चीज़ें इकट्ठी और साथ में फिर एक और भी तो मिलता है प्रोफाइल। अच्छा डॉन H2 लगाना रेडियन करके, सही है H2 सब H2 सब H2 रेडियन H2 तुमने हिंदी कान तुमने H2 मैं K4 लगा रहा हूं, दिख नहीं रहा मुझे कहीं भाई, नहीं है नहीं है मेरे पास, कुछ भी लगा दो भाई दीवानी लगा ले सच में लिखते हैं तुम्हारा हमेशा। ये मेरा खास हाइब्रिड का है, मैं देख लेता हूँ पहले है कि नहीं। हीलियस का एक्चुअली मेरे पास नहीं आ रहा, वो नहीं, वो नहीं आ रहा, बहुत ही बड़ा है कर सकते हैं अगर कुछ नहीं करते हैं नहीं सकते। होता क्या क्या है इसकी देख सकते हैं वीडियो क्राइम यार, ये है सिस्टम, ये राज वन एच वन नहीं है क्या इसमें हेलियस प्राइम, हाँ हाँ एच टू में भी हेलियस पीने का बूस्टर लिया था जिसमें से कम अज़ कम एक हफ्ता मैंने अकेले ही नहीं है तो बस हो गया है, लेकिन खैर डैम में उसको मैंने बहुत जल्दी काम कर लिया था। That's it. You opened the relic. Finish your mission and we'll take a look inside.
सुल्तान और सुल्तान इन सब लोगों की सफाई कर दियो, इसकी सबसे आखिरी में कर दियो। मार्वल गेम अच्छा बनाया यार इन लोगों ने, मतलब उसमें मार्वल जो है मार्वल का गेम भी नहीं क्या हुआ। हाँ किया ना मैंने, कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ थोड़ा सा खेला, मजा आया एडवेंचर वाला। हाँ Just found. I can't do this without you. Wow. Wow. Brother. बहुत अच्छा चल, एक ही जगह पे आ बट क्या करना, कहाँ जाना है? चल डाउन टू मेरा ऑर्डर दे दे। हाँ ये काम करता हूँ मैं, तेरे वाले लेता हूँ तू मेरे वाले ले ले इस तरह। B1 फिर से H2 सीसी का एक्सटेंशन कॉर्नर तब ये चले लास्ट में एक का रेडियन वो कर सकता था।
been cracked open. Finish your mission to find out what's inside. यार मुझे अभी तक कंपर से वो नहीं मिला, क्या नाम है वो, हाँ कंपर से जो है कम मिलता है, गुरुड़ है पता नहीं कौन सा है, मुझे भी नहीं मिला। तो बोलो ना, कब से बोल रहा था फार्म करते हैं फार्म करते हैं, उसकी मार बहन कर रहे, इतना दिल कर रहा है मेरा आपको मारने का। चलो एक एक घंटा सर्वाइव करते हैं, उसके बाद कंपर की बजाते हैं। चलो मुझे ये भी नहीं पता कौन सा कंपर से निकलता है, सबसे लास्ट वाले से डॉक्टर कौन सा किसी का वो लेना बोलेगा नैरोमॉन, पता नहीं कौन सा वाला है, जो जो वाला है नैरो माइंडेड, नहीं नहीं ये नहीं, स्कूल की बात कर रहा हूं, तो कौन नॉर्मन स्कूल जो है, द लॉन्गर यू फाइट द मोर सक्सेसफुल वी विल प्लीज सर, उसको डैमेज देने के लिए स्ट्रोपा सही रहेगा। अबे कैचिंग सही मार लो, इसे भी मार सकता है लेकिन उसको मारने के लिए सबसे अच्छा तरीका एक बंदा हवा में ले और रूबी को या लंका ले ले, बस वन शॉट है। हां और एक बंदा उसको स्लो करता है नीचे जो है डी1 लगा देता है। का देख अंदर काम समाप्त, अंदर ही बैठ के नीचे वैसे सफाई होगी अभी। लेकिन देखना पड़ेगा, दिन हो रही है, रात रात हो रही होगी तो बेकार है, दिन में आता है संपर्क। अरे डोमा थम्सा की बात कर रहे हैं आप लोग ना, डोमा थम्सा पता नहीं हाईएस्ट कौन सा है, डोमा है आई थिंक, था डोमा है लेवल 5 में आया जाओ, लेवल 5 वाला है नहीं, सबसे हार्ड वाली बाउंड्री लगा लो हम पर, वही आएगा ही आएगा बिल्कुल, बाउंड्री दो बंदे बाउंड्री क्लियर है दो बंदे थम्पर मारे बस इजी। देखा था रियानो जाम 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 कर देता है उसको, रायनो पता नहीं रायनो जान कर रहा था, उसने ट्राई किया था लास्ट टाइम तो कोई एबिलिटीज काम नहीं कर रही थी, एबिलिटी काम नहीं करती भाई टेंपर में। इनविजिबिलिटी ज्यादा काम आती है ना, हाँ म्यूजिक अच्छा नहीं नहीं कुछ काम नहीं आता, सिर्फ ये बोल तो रहा हूँ एक ऑपरेटर लेके खड़ा हो जाए नीचे और एक हवा में खड़ा हो जाए बस, एक दफा इवारा के साथ ट्राई किया था लेकिन इनविजिबल होने के बाद भी जो है ना
तो फिर भी ऊपर जंप आ रहा बाल दौड़ बहुत करता है भाई वहाँ तो चैन नहीं स्लो वाले है ना स्लो स्लो वैसे बहुत स्लो हो जाता है और फिर हिल नहीं पाता जंप मार नहीं मार सकता बाद में बता ओए कौन ब्लीड आउट हुआ नॉक्टर्नल मेरा कुत्ता और ये बड़े देर बाद मरा जो भी मरा वो विस्प कहाँ मरा था विस्प क्यों वो कुत्ते बिल्ली को भी विस्प का वो लगता है ना तो वो खुद ही ग्लो रहता है अच्छा डॉन डिस्कॉर्ड पर चेक कर नाइट हो गई डे हो रहा है अच्छा ऐसा ना साइकिल कैब से ले लेता हूँ हाँ कल आइए हम एक्सट्रैक्ट कर लें और नाइट हो गई तो बेकार है वो कहाँ पे रहता है कहाँ पे अलर्ट हाँ अलर्ट सीटा स्वाम है सीटा नाइट नाइट हैज बिगन 757 पे उन्होंने कहा है 48 मिनट 31 सेकंड मतलब नाइट होने वाली है नहीं नाइट हैज बिगन 757 पे अभी नाइट है मतलब नाइट है अभी नाइट चले 40 मिनट नाइट है 39 अच्छा अलर्ट आ जाएगा जैसे ही अलर्ट आएगा एग्जिट करेंगे जब तक के लोग पर भाई ये जैसी जैसी नोटिफिकेशन आ जाएगी चलो सही हाँ मेरे पास आया था नोटिफिकेशन ऊपर से मैंने एक्चुअली तेरा बल्कि जितने सर्वर है सबको ही मैंने म्यूट किया हुआ है ताकि उनसे ज़्यादा क्योंकि तू वीडियोस जैसे ही करते हैं तो हमें नोटिफिकेशन आता था पिंग से बहुत तंग होता हूँ जब पिंग आती हैं डिस्कॉर्ड को ही म्यूट किया हुआ है मैं म्यूट नहीं करता मुझे नोटिफिकेशन देखनी पड़ती है मैं देखता हूँ यार एक्चुअली यार मसला ये है ना कि मेरा वो दूसरा सर्वर भी हमारे क्लैन का सर्वर है उसका ये डेस्टिनी का तो उसमें यार बंदे ये जो भी बात करते पूरा क्लैन टैग करते हैं मैंने उनको बोला भी है यार जिससे बात करनी है उससे करो बार बार फुल क्लैन मत टैग करो उसने कहा अगर आपको मसला है तो फिर इस तरह करो वो म्यूट कर दो मैंने कहा ये सबसे अच्छा है मैंने नोटिफिकेशन सब कुछ म्यूट कर दिया उस बंदे को ही म्यूट कर देता बंदा म्यूट नहीं कर सकते ना वो पूरे क्लैन को टैग करता है जब क्लैन का टैग आता है सबको फिर वो नोटिफिकेशन जाती है उसमें थे कितने वो करते हैं सब करते हैं सब उसमें जितने मेंबर है सभी करते हैं एट द रेट क्लैन मेंबर करके पूरा क्लैन ही टैग कर देते हैं मैंने कहा ये मत किया करो तुम कमीने नहीं मानते मैंने कहा बस ये म्यूट ही कर देता हूँ नोवा अच्छा मैं रेलिक लगा के ज़रा वॉशरूम से होके आता हूँ ओके D1 ही लगाता हूँ आई थिंक आखिरी D1 है मेरे पास रेडियंट D1 चलो मैं आया जल्दी से ओके अच्छा ये आखिरी रेलिक का फेस फोर वाला आगे D1 लगा दें हाँ आगे D1 लगा दें डॉन के वन ये फोर लगा लेगा
वाम का अपडेट आई है, चेक करिए क्या नाम है फान किसकी, वाम्स की अपडेट आई है, चेक करिए किसके आई है, फीचर्स पे हुआ है क्या हुआ है, चेक कर अगर फीचर को सुबह ही होगी तो फौरन मतलब ये 5 मिनट में चेक करेंगे। The relic has been crushed. Then he will valet the way or okay. Or valet that. तो वेपन से ना सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ कर दिया ना, बस खत्म कर दिया ना, नहीं अभी भी है कुछ वेपन में खास कर दिया। एक मिनट से पहले पहले हम सारे जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ये रेडिएंट जमा कर ही लेते हैं हम लोग, ये रिएक्टेंट करी हो गया शामी भाई ने रिएक्शन नहीं लिए एएफके हैं हैं, अरे हाँ तो वॉशरूम में होता हूँ सी मैं आया हूँ डायरेक्ट में जंप लगाए हैं कि वो उठा सकूँ कि नहीं उठा पाया। चल अब K4 लगा शामी दूर के बाद खत्म हो गए। मैं कौन सा लगाऊं K4 लगाऊं? नहीं नहीं आप D1 लगाओ।
क्रिप्टो करेंसी ली थी और दिन ब दिन उसका कीमत ऊपर हो रहा है। कौन सी ली? निक्सॉल्ट। निक्सॉल्ट जब मैंने स्टार्ट किया था लेना तो 45 रुपये कीमत थी उसकी, अभी मैंने भी प्राइस चेक की 338 हो गया। बहुत गई है फिर तो। बहुत यार, 4,500 रुपये के निक्सॉल्ट और अभी 20,000 रुपये के हो गए निक्सॉल्ट मेरे साथ। पैसे कैश करवा? पैसे नहीं कैश करवा रहा मैं, स्कोर भी ज़्यादा करूँगा क्योंकि एक साल बाद ये देखना 1,000 के ऊपर कीमत होगी। परसों ही मैंने 291 में 10 निक्सॉल्ट बेचे और वापस फिर मैंने 289 समथिंग में ख़रीद लिया, तो 51 से डायरेक्ट 62 निक्सॉल्ट हो गए। तो जब तो बेच देता हूँ। पहले बेचारा ऐसे चला गया मंगल ग्रह। क्रिप्टो करेंसी वाला भी ठीक है, लेकिन इससे ये है कि पाकिस्तान में जो है ना इन्होंने जो बैन किया हुआ है, लेकिन वो फिर सही भी है एक तरह का क्योंकि हमारी हमारी तो आवाम जो है ना वो यानी कि इतनी इस चीज़ में नहीं है। हाँ ये क्या कहें, क्या इंफॉर्मेशन के पास नहीं है लोगों के पास। मैं वो जो साइट नहीं है परपाल एडिसेंस उसमें जो भी हूँ, तो अभी ये है कि आप निक्सॉल्ट से भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे लोग 150 रुपये में भी निक्सॉल्ट बेचते हैं, आप उसके 150 रुपये दो आपको एक निक्सॉल्ट मिलेगा। तो अगर मैं 10,000 के तकरीबन 15,000 के मैं सोने रिजल्ट ले लूँ तो वहाँ पे मैं फिर इन्वेस्टमेंट करूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पे 30,000 से ऊपर कीमत हो ठीक है। कौन है मुझे ऐसे, तो अगर आप 10,000 रुपये 15,000 रुपये देंगे और इन्वेस्ट करेंगे 15,000 इन्वेस्ट होगा, तो उस तरीके से मैं बहुत फायदा उठा रहा हूँ। खाली कर दिया, अबे ऐसे नहीं लेके जाएगा, पूरी थैली लेके जाएगा, मैं लीकी जो की है पूरा बदबू आएगी, कभी भी ऐसा मत लेके जाएगा। ये और ये अभी अभी इसकी प्राइस ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। इस हफ्ते में मेरे 13,500 रुपये फायल हो गए। ये लालच देने के लिए कि अचानक गिराएंगे, टेंशन नहीं ले। नहीं यार अचानक नहीं गिरता, उनका एक अपना एक हुआ है, वो एक हद तक जाता है फिर एक दो दिन, अभी ये पिछले दो दिन जो है वो प्राइस कम हो रही, तो उसमें मैंने बेच के फिर से ले लिया, फायल हो गया मुझे। डिपेंड करती है कंपनी पे ना, जिस कंपनी की करेंसी वो कितना वो कर रही है, फायदा उठा रही है। ये ईद से पहले 3 दिन का पैकेज आया था, उस पैकेज में लोगों ने उसमें तकरीबन 150 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए, तो तुम अंदाज़ा लगाओ एक कंपनी को एकदम से 150 करोड़ से ऊपर पैसे मिल जाए, वो क्या उसी करेंसी के कहाँ से कहाँ जाएगी। डॉलर 162 का है और निक्सॉल्ट जो है वो 337 340 का हो गया, तो 2.5 डॉलर से वो बनता है निक्सॉल्ट। ये क्या यार मरा उधर है, ये देख हाँ ये इन्होंने वो निकाल दिया ना, डेट निकाल दिया, जहाँ मरोगे आप वहाँ बिल्ली आ जाएगी, कहीं भी बिल्ली मरे आप दाखिल रहोगे मार जाएगा। हाँ बाहर और ये अंदर आ गया, मैंने कहा Look what our Tenno operative just found. I cannot do this without you. ट्रेडिंग फ्रॉम सर्वर, ये क्या हुआ? वी डोंट नो, वेट फॉर इट। होस्ट कौन था? तो मोस्ट होस्ट मैं हूं। ये क्या मजा आ गया, ये सोच रहा है कि इनको क्या रिवॉर्ड दे क्या हो गया यहां मेरा लिखा हुआ है
नेटवर्क नॉट रिस्पोंड वो बस तेरी वजह से तेरी वजह से हम मतलब तुम लिए मैं बात आ जाएगा आ जाएगा मैं कम ऑन प्लीज डोंट फक विद अस और रिवॉर्ड्स जाएंगे वो रिवॉर्ड्स तो नहीं खैर लेकिन हो जाएगा आ गया आ गया लेट्स ट्राई फॉर मई लेते हैं एटलस मुझे वैसे भी फॉर्म की अशद ज़रूरत है मैं डी वन लगाता हूँ लास्ट डी वन मेरा चारों नहीं रहा अच्छी आया क्या पता है निकल आया अच्छा वॉशरूम से आया बस चारों में से ना निकले बहुत ही अच्छा है यार हर बंदा अपना अपना ले ले बल्कि एक दूसरे का लेते ताकि वो ज़्यादा मिले जी तो एकदम से ब्लास्ट किया मैं भी गया पहले गाइस खराब है पहला किल हो गया बाबा डैमेज हो रहा है पता था डैमेज हो रहा है बाबा ये क्या हुआ आपकी बात भाई वेस्ट 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 नहीं पीछे है वेस्ट पीछे है अरे सॉरी 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 बॉक्स में मारो बोल गया अच्छा इलेक्ट्रिसिटी वाला डक मत लगाना इलेक्ट्रिसिटी वाला डक मत लगाना लगा दिया अपने पीछे तो सही है इलेक्ट्रिसिटी वाला डक नहीं लगाना चाहिए वो अच्छा नहीं ऑक्टेविया के फिर उसको जो है ना वो शूट नहीं करते वो स्टन होकर खड़े हो जाते हैं खड़े हो जाते हैं ये मस्त है वो दूसरा भी वॉशरूम चला गया सबके सब कमरे के अंदर कमरे से बाहर ना खेल मैं यहाँ से सब दोनों को सही मारता हूँ मेरी तो फैलती इतनी कम है कि मैं ऐसे निकला और क्या सॉरी हाँ हाँ सब सबके सब अंदर हैं सबके सब अंदर है क्या मैं अच्छा वन लग गया बस सही लग गया अब गोस्ट वाई यू डाई मैन वाई यू डाई बाकी जो है लिख रहा है अच्छा वो बग गेम बग आया है हाँ गोस्ट अंदर आ जा गोस्ट मेरे आ जा अंदर गुड बॉय वो कोई एबिलिटी भी है ना हेलमेट की जिससे आप अपना वो बुला सकते हो अंदर जी इस सही है बस इतना सोचेंगे हाँ हेल्थ की पूरी कर देता है और अंदर भी ले आता है वो नेक्रोस पे लगाना चाहिए नेक्रोस पे वन टू तो बिल्कुल बंद है थ्री फोर अच्छा मैंने राइनो की रॉड लगाई हुई है नेक्रोस पे लेकिन इतना नहीं है दोबारा है वो मुझे बड़ी अच्छी आई थी जब मैंने वो ये सो में वो लिया था मिराज एकदम तो बोलते अपने सेरन की एबिलिटी ली गई है मिराज को मैंने कर दो उसने कब के लिए फुल मैप कैसे लूट कर रहा है मेरे का बस ये तो ट्रिक है ना क्योंकि उसने सेट लिया था और सेरन उसका कोई डैमेज नहीं कर रहा था तो वो भी सोच रहा है ये क्या हो रहा है ओके मिनिस्ट्री अच्छा वो कोल्ड किलर ये तो वेलिस का है और वेलिस नहीं इसमें आधा घंटा है तो ठीक है आधा घंटा है पैंतालीस मिनट की नाइट होती है ना नाइट 48 मिनट की होती है 48-49 मैंने काम कर यार अरे टीवी ला दे देखो प्राइस बना रहे हैं क्या प्राइस बना रहे हैं सुल्तान और कुछ क्या मेन्यू में कुछ है जैसे अभी से प्राइसिंग है चाय और प्राइसिंग रही चलो जबरदस्त बल्कि रोज प्राइसिंग सारा नाश्ता कर लेंगे ना अभी चलो भाई ठीक ये भी कर लेते सही हाँ नाश्ता के साथ ही कर लेंगे नाश्ता करेंगे प्राइस भी खाओ ओके की रिपोर्ट जॉन अगर हम लोग भी यहाँ कराची में होते कितना मज़ा आता ना साथ खेलने होते यार वाकई में नाश्ता करने जा रहे नहीं ना नहीं पर आएगा करने नहीं आएंगे अच्छा करने जाएंगे गेम खेलते भी आएगा भाई डिफेंस में बैठा हुआ यहाँ सब आ रहा है
कराची मैंने नहीं देखा अभी तक, मैं कभी भी नहीं आया कराची। पाकिस्तान में कराची तो है सबसे मेन चीज। हाँ वैसे कराची कराची नहीं हो पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान मैंने दो सूबे आज तक देखे हैं, पंजाब और यूपी के। ये लोग है ना आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। कौन? हाँ उनको उनको बस लड़वाने की जरूरत है, मारने की जरूरत, लड़वाने की जरूरत है, खुद ही मर जाएंगे। यही ऐसी कौन से सूबे? अबे नहीं दूसरे शहर जो है जैसे लाहौर बोलता है कि लाहौर लाहौर हैदराबाद वाले अपने सब मतलब अपने हमें ये नहीं बोलते हैं पाकिस्तान ही हो। तुम ये देखो कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, कौन सा शहर चला रहा है पाकिस्तान को, ये नोट करो। सेवेंटी परसेंट आई थिंक 70% से ऊपर जीडीपी वो क्रिएट करता है कराची। असल में टैक्स वहाँ पे ज़्यादातर पे कर रहे हैं, लाहौर है, लाहौर के अंदर। अबे नहीं नहीं ये बात नहीं है, कराची में पोर्ट है, सबसे बड़ी मार्केट है, ये भी है, मलेशिया मंडी है सबसे बड़ी, क्या कुछ नहीं है। पाकिस्तान का 70% जीडीपी जो क्रिएट होता है वो कराची से होता है। कराची पाकिस्तान का 70% पैसा वो कराची बना रहा है। इम्पोर्ट अब जैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का भी मामला इधर से ही आ जाता है, सस्ती चीज़ें इसलिए यहाँ पर मिल रही थी ज़्यादा रखता पंजाब साइड से ना। ये बताइए कंप्यूटर का नया माल कब आएगा कराची में? अभी ये माल ही उतर रहा सही तो बहुत महंगा। मेरे पास इंशाल्लाह पैसे आ जाए तो मैं कोशिश करूँगा कराची आऊँगा अपना पीसी लेके और इसका केसिंग प्रोसेसर और वो बोर्ड ये उन्होंने केसिंग प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड चेंज करेंगे। अभी कौन सा यूज करें ग्राफिक कार्ड? मैं 1080 GTX 1080 Zotac MacBook Pro Edition। कितने जीबी का? 8 GB 1080 1080 भी ठीक है, तो उसके बाद ब्रेक करने की फिलहाल इतनी हो रही है। 3090 को मेरा दिल कर रहा है 3090 या 3090 Ti ले लूँ, लेकिन जब पैसे आएंगे अभी पास फिलहाल पैसे नहीं। और 6th जनरेशन का Core i7 है तो मैं 10 Core i9 लगाऊंगा 10th जनरेशन का। मज़े की बात ये कि मेरे जो मतलब ये मदरबोर्ड है उसमें Core i9 लगता है तो मदरबोर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सही केसिंग नहीं पसंद मुझे, केसिंग अच्छा से लगाऊंगा ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर चेंज करेंगे, लेकिन जब पैसा आएगा कम से कम 4-5 लाख रुपये हुआ तो जब तक तू लेगा ना जब तक वो वैल्यू डाउन हो जाएगी। हाँ वाकई में कोई अच्छा सा कोई अच्छा सा दुकानदार हो ना कि मेरे से मतलब ये वो ले ले ग्राफिक कार्ड भी थोड़ा सा गुजारा रुपये इसमें ले लें। बेसिकली मेरी कज़न से बात हुई थी कुछ दिनों पहले क्योंकि मैंने भी लेना था सामान, तो पीसी की रिक्वायरमेंट जो जैसे 8 GB रैम या 16 GB रैम आस पास ये लाख तरह बताया था मुझे, लाख 1 लाख कुछ 20 कर गया यार। जब डॉलर की प्राइस 120 रुपये या 110 रुपये थी मतलब 2015 में मैंने पीसी लिए टोटल 230 का बनाया तो सब 230 उस पर ये टैक्स वगैरह ये चीज़ें भी नहीं थी। तो अभी यही यही पीसी अगर किसी ने बनवाना है विद टैक्स और ये सब कुछ तो उसको शायद 3 लाख में दिए ना मिलता है ज़्यादा अभी जब मेरे जोन पर लगा हुआ ना 10 से 20 ये समझे आप सेल आउट हो गया 50,000 का सही है। मार्केट में इसकी अब वैल्यू चल रही है 70,000 रुपये सही। हाँ इतने हाई रेट हो गए और पहली बार है 20 मार्केट में ही मिल ही नहीं रहा। वैसे थोड़े हालात चेंज हुए तो मार्केट वैसे चेंज हो ही जाएगी थोड़ी बहुत, मुझे लग रहा है उसकी वजह से पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा मसला थोड़ा सा मार खा रहा है हमारा था। इमरान खान सर की हुकूमत के पास पैसे ही नहीं थे, इमरान खान ने कभी ये क्या मजाक चल रहा है भाई। तो उसमें
चल इस तरह रहा था कि लोन लेके पाकिस्तान पिछला लोन पे करता आ रहा था, तो वो तो आप तो बिल्कुल ही बस बैंकरप्ट हो गए। हां यार बहुत फायदा लगा ये डायरेक्ट में आज जरा क्लिक करने में कैसा होता है जल्दी रिच पूरी आ जाएगा। एक्चुअली सबसे पहले मैंने मोबाइल लेना है क्योंकि मेरा मोबाइल बिल्कुल फंसी हो गया। तो पाकिस्तानी से बहुत सारे इस तरह के आ गए टेक्टो और इस तरह के आ गए। मैं शुरू से लेता आ रहा था सैमसंग यानी कि शुरू से S3 से स्टार्ट किया और S7 और S8 सारे पूरी लाइनअप में मेरे पास पड़े और वो सारे डेड हैं क्योंकि वो गिरते गए और उनका जो है ना OLED डिस्प्ले है और वो इतना एक्सपेंसिव है कि अब सही में फील होता है कि जो है ना ये वाले S सीरीज वाले बंदा ना ही ले सकता हो गया। मेरे पास S4 पड़ा है क्योंकि मार्केट में लोगे S4 में 5-6 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और अभी उसका मोबाइल शॉर्ट है मतलब ये कि जब आप नई बैटरी भी डाल दो ना 2-3 महीने बाद वो बैटरी जो है वो हो जाती है भूल जाती है क्या वैसे। नहीं वो तो फिर चार्जिंग को कंट्रोल नहीं कर रहा तो मैं दुकान पर लेके गया उसने टेस्ट किया उसने कहा तुम्हारा मोबाइल शॉर्ट है तो जब भी तुमने ये बैटरी डालोगे 2-3 महीने बाद वो बैटरी ख़राब करेगा। और फिर वैसे S4 है भी बहुत ही बुरा था बहुत पसंद है लेकिन वो 70-75 का है और तेरी ये चीज ये कौन सा मैजिक लगाया था D2 लगाते हैं भाई लगा लेते हैं मेरे पास भी है इसके दो गोल्ड पार्ट है। हाँ तो भाई हाँ से बना हुआ था वॉलेट मैं एक मिनट आया अब जाके ये 135 लेवल के एनिमी हुए हाँ देखो मॉक पे किल तो अभी पता नहीं कितने होते हैं 400 लेवल पे होते हैं नहीं मॉक में यार बहुत जल्दी स्केल अप होते हैं। दो घंटे में तकरीबन 4,000-5,000 लेवल तक पहुंच जाते हैं। अबे नहीं बे 400-500 नहीं यार 5,000 लेवल के नहीं बीच में देखे नहीं भाई 500 एनिमी 500 लेवल के होते हैं 5,000 दिमाग खराब है तेरा 5,000 लेवल 500 मौत पे आनी पे नहीं आनी पे कम होते मौत पे नहीं नहीं 5,000 पागल हो गया कोई अलर्ट आया चेक कर। अच्छा एक मिनट हम एक जगह पे खड़े हो गए ये तो हुआ टाइम अलर्ट है मेरा सबसे हाईएस्ट एनिमी का सामना हुआ है 750 लेवल बस इससे ज़्यादा मेरा वही नहीं कितना कहाँ पे कितने घंटे कितने टाइम बाद आते हैं ये तकरीबन 4:30 या 5:30 बाद तो जल्दी में इधर वो बस बंदों ने वाइजर है नहीं कि पता नहीं कौन सा स्कूल है उसमें ये है कि जैसे ही बंदा पे एक्स क्लिक करे डायरेक्ट ही वो रिवाइव हो जाता है नहीं हाँ वो तीन बार होता है फक 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 फक
ये क्या एकदम से मेरी हेल्थ चली गई। Let me heal myself. उनका शील्ड ही नहीं टूट पा रहा। चलो भाई ये बस एक्सेप्ट करो तब ना इसके बाद मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा ना एक्सेप्ट करो आईटी के बाद तो बस यही है सबके पास 10 10 हैं। हां डेफिनेटली स्टेशन की तरफ भागो ना हां स्टेशन की तरफ भागो एक मिनट ही रहता हूं एक मिनट पे पहुंचते पहुंचते हां ये वैसे पंचायत वाला निकलो भाई कौन हो रहा है ये सब तो सब सब बैठ हो गया ऑपरेटर निकाल लो यार हां एक मिनट तक कुत्ते बिल्ली रिवाइव ना करो एक दूसरे को अगर रिवाइव करना चाहिए कुत्ते बिल्ली इग्नोर हां कुत्ते बिल्ली हां कुत्ते बिल्ली को मत करो लुक व्हाट आवर टेलो ऑपरेटिव जस्ट दे कुड नॉट डू दिस यार ये तो ये मुझे वे पॉइंट्स ना करते हमेशा शिट मिल ही रहा है मिल गया मिल गया कोई वेव पॉइंट लगा देगा हां भी जा मुझे ठीक है क्या लेना है वो कौन किसने लेना है लेने लेकिन फैन मेरे पास है भी नहीं और रेयर भी है फैन आ गया ये वेव पॉइंट क्या है वेव पॉइंट जो भी है मैंने भी लगाया वेव पॉइंट 3 ये देख कितने शील्ड वाले बंदे मैंने मारे ओ यहाँ पर बिल्कुल गंदा है तो मरा क्या पता नहीं well 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 nice. looks like some serious crud is going down out there here's to you anonymous troublemaker तुम लोगों को ये नया वो यूआई पसंद है मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद ये नया ये जो डाल रहा बिल्कुल ही मुश्किल होती है अब तो है ना बाहर सभी चीजें देखने के लिए पहले ये था टैब प्रेस करते थे सारी चीजें सामने होती थी अब ये है कि टी प्रेस करो फिर इधर से क्लिक करो फिर उस पर दोबारा क्लिक करो अच्छा जी मैं लेता हूँ मिराज मैं फ्रेम चेंज करना है मुझे हाँ कौन सा चलो सर्वाइव खत्म हो गया